प्रदेश में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। दिन ब दिन बढ़ती गर्मी में लू के थपड़े आम जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन पर्वतीय नगरी माउंट आबू में अब भी मौसम सुहावना होने से आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई। यूं तो माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, लेकिन गर्मियों में एक महीने के लिए माउंट आबू समर कैपिटल भी बन जाता है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। एक ओर जहां पूरे प्रदेश में लोग बढ़ती गर्मी से परेशान हो रहे हैं, वहीं राजस्थान के कश्मीर माउंट आबू के सुहावने मौसम का पर्यटक मजा उठा रहे हैं। यहां की ठंडी वादियां लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। वहीं माउंट आबू गर्मी के इस सीजन में एक महीने के लिए समर कैपिटल भी बन जाता है, क्योंकि यहां प्रदेश के राज्यपाल हर साल गर्मियों में एक महीने के प्रवास पर आते हैं। इस दौरान पूरा राजभवन यहीं पर होता है और यहीं पर राज्यपाल अपना पूरा काम करते हैं। पूरे मेरे फैमिली के साथ आई हूँ, मैं यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल गर्मी नहीं है, बिना एसी के भी हम यहाँ पे रह सकते हैं और इट्स अ वेरी नाइस प्लेस टू एंजॉय। प्रदेश का कश्मीर कहा जाने वाला माउंट आबू गुजरात और राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है। इसी कारण हर साल यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं और यहाँ की ठंडी वादियों और खुले मौसम का मजा लेते हैं। हमने ऐसा सोचा कि चलो वेकेशन की अभी मौसम है, बच्चे लोग की पढ़ाई पूरी हुई है, तो चलो घूमने चले माउंट आबू। तो हमारा गुजरात से बिल्कुल नजीक पड़ता है और पूरा कश्मीर जिसे माना जाता है। तो यहाँ आके देखा तो मौसम बहुत बढ़िया था। हमने सुबह 5 बजे माउंट आबू में एंट्री कर दिया, देखा कि ये तो पूरा कश्मीर जैसा लग रहा है यहाँ, तो बहुत मजा आया। पर्वतीय पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ मौसम काफी सुहावना बना रहता है। इसी कारण यहां आने वाले पर्यटकों के अनुसार गर्मी का मौसम होने के बावजूद एसी कूलर की जरूरत नहीं होती है। वहीं जिला प्रशासन भी समय समय पर पर्यटकों के लिए विशेष आयोजन करता रहता है, जिसके चलते यहां पर्यटकों का रुझान भी बढ़ता रहता है। HBC न्यूज के लिए माउंट आबू से कमलेश प्रजापत की रिपोर्ट।